हमारे हिंदू सनातन धर्म में सूर्य देव को पूजनीय माना गया है। हमारे धर्म में उगते हुए सूरज को प्रतिदिन अर्घ दिया जाता है। ऐसा करने से माना गया है कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार हर वर्ष में माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य देव को समर्पित मानी गई है। इस दिन को रथ सप्तमी या माघ सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को भगवान सूर्य देव के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य ने पूरे विश्व को रोशन करना शुरू किया था। इस दिन को सूर्य जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है, इसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं। हिंदू मान्यताओं में इसको रथ सप्तमी कहते हैं, सूर्य सप्तमी कहते हैं, मनु सप्तमी कहते हैं, अचला सप्तमी कहते हैं, आरोग्य सप्तमी कहते हैं और इसको सूर्य जयंती के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन सूर्य उपासकों के लिए, जो सूर्य के उपासक हैं, ऐसे उपासकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन भगवान सूर्य का जन्मोत्सव मनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी, रथ सप्तमी या सूर्य सप्तमी के दिन ही सर्वप्रथम भगवान सूर्य देव ने अपनी रथनियों को इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में बिखेरा था। भगवान सूर्य ने सर्वप्रथम प्रकाश इस सूर्य सप्तमी के दिन इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में रोशन किया था। इसलिए इस दिन सूर्य की जयंती या सूर्य का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन सूर्य साधकों को और अन्य सभी साधकों को भी सूर्य की साधना करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्याष्टक का पाठ करें, सूर्य सहस्र नाम का पाठ करें। जो ब्राह्मण है उनको इस दिन गायत्री मंत्र का विशेष रूप से जप करना चाहिए। इस दिन व्रत भी किया जा सकता है। यह जो व्रत है, यह सूर्य उदय प्रधान व्रत है, अर्थात जिस दिन सप्तमी में सूर्य का उदय हो उस दिन इस व्रत को करना चाहिए। अतः 16 फरवरी के दिन यह माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी या सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी का व्रत पड़ रहा है। स्नान करके सूर्य भगवान का हम ध्यान करें। सूर्य भगवान को जल में कुमकुम, पीली सरसों, गुलाब का पुष्प, चावल इत्यादि मिलाकर के सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य के जो द्वादश नाम हैं, उन द्वादश नामों से भगवान सूर्य को हम प्रणाम करें। भगवान सूर्य का अपने स्थान पर एक परिक्रमा लगा करके भगवान सूर्य का परिक्रमा करें। और यदि आप इस दिन उपवास रख रहे हैं तो उस दिन नमक हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिना नमक का ही फलाहार इत्यादि हमको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी को सूर्य की उपासना करने का यह विशेष व्रत है, विशेष दिन है, विशेष त्योहार है। चंद्रिका नाम के ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि यदि हम सूर्य सप्तमी के दिन प्रयागराज में स्नान करते हैं या संगम में स्नान करते हैं या किसी पवित्र नदी में स्नान करके दान करते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, तो ऐसा स्नान करने से, सूर्य की आराधना करने से करोड़ों सूर्य ग्रहण के पश्चात जो हम स्नान करते हैं, वह स्नान का फल हमको केवल इस सूर्य सप्तमी के दिन स्नान का फल हमको प्राप्त हो जाता है। अरुणोदय वेलायाम तस्याम स्नानम महाफलम प्रयागे यदि लभ्यते कोटि सूर्य ग्रह तमः, ऐसा चंद्रिका नाम के ग्रंथ में लिखा गया है। इसलिए हमको इस रथ सप्तमी के दिन, सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की पूजन आराधना करना चाहिए, जिससे हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।